इस लड़की को गौर से देखिए। ये लड़की इतनी बदनसीब है कि कल इसकी बारात आनी थी और आज इसके पिता की लाश नहर से बरामद हुई है। घर पर सारे रिश्तेदार जुटे हैं, हलवाई मिठाइयां बना रहे हैं, टेंट तंबू चारों तरफ लग चुके हैं, मगर अब शादी वाले इस घर से बेटी की डोली नहीं पिता की अर्थी उठेगी। ये घटना करनाल के सूरज नगर की है और इस घटना के पीछे एक तरफा प्यार की ऐसी कहानी छुपी है जिसे सुनोगे तो दंग रह जाओगे। जी हाँ, लड़की के पिता नीरज कुमार का शव आवर्धन नहर से बरामद हुआ है, लेकिन लड़की और उसके परिजनों ने हत्या का आरोप पिता के ही दोस्त पर लगाया है। लड़की का कहना है कि उसके पिता का दोस्त उसे शादी करना चाहता था, लेकिन उम्र ज्यादा होने के चलते उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इसी के चलते उसके पिता को पहले किडनैप किया गया और फिर हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया गया। उन्होंने आपको शादी के एल्बम में ही देखा है? उसके अलावा उन्होंने मुझे ये मेरे पापा के फोन में ग्रीन वॉल पेपर पे मेरी और मेरी सिस्टर की फोटो लगी थी, तब देखा था। तब देखा था। तो जब आपके पिता लापता हुए पुलिस को शिकायत दी गई? जी, हमने साथ के साथ पुलिस को शिकायत दी, लेकिन पुलिस का कोई पुलिस ने कोई स्टैंड नहीं लिया अब तक। अभी लास्ट में जाके हमें खुद ही पता लगा कि बॉडी यहाँ पे पड़ी है। नाम भी लिया था आपने उन लोगों का? जी बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने ही किया है। फोन नंबर भी दे दीजिए। अब बारात आएगी कल? हाँ। अब कैसे उनकी तरफ से कोई फोन आया? नहीं, वो तो सारे आ चुके हैं, सारे यहीं आए हुए हैं। सभी यहीं आए हुए हैं। कहाँ से आनी थी बारात? सहारनपुर से आनी थी, वो आ चुके हैं। मतलब उनका एक तरफा प्यार मुसीबत बन बैठा। एक तो दबाव में हो, एक ही चीज ने गर्म मना, लड़की ने मना कर दिया था जी मेरे को लड़का पसंद नहीं, शुरू से ही ये इनकी छोटी बहन, आप इनकी छोटी बहन की सास हैं? हाँ जी। हाँ। तो आपके ही गांव से है वो? हाँ, हमारे गांव से है। तो भी बात की होगी उन्होंने? नहीं नहीं जी, हमारे को ये बांजी मार रहा है। जब ये लड़की ने कह दिया था लड़का मेरे को पसंद नहीं, हमारे को बांजी मारने की क्या जरूरत थी? जब लड़की के उसकी शादी होनी थी, बीच में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ये इसके पापा दबाव दे रहे थे शादी कर ले, कहा मेरे को लड़का पसंद नहीं। इसमें तो पसंद 40 साल है, अरे मोटा है, वो है, कोई उसमें लड़का दोहरा खड़ा करके लड़की का पिता नीरज बुधवार रात से ही लापता था। परिजनों ने पुलिस को शिकायत भी दी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। लड़की के परिजनों की माने तो शादी से मना करने पर आरोपी लड़के ने किसी भी सूरत में शादी नहीं होने की धमकी दी थी, जिसके चलते उसने अपने ही दोस्त नीरज की हत्या कर डाली। शादी से एक दिन पहले लड़की के पिता की मौत से परिवार में मातम पसर गया है, सभी का रो रो कर बुरा हाल है। तो कौन से गांव के रहने वाले हैं? शेखपुरे गांव के। आपकी शादी भी वही हुई है? हाँ जी, मेरी शादी। तो आप भी जानते हैं उन्हें? हाँ जी, मैं जानती हूँ। तो आपको पहले पता था कि आपकी सिस्टर से इस तरह से वो प्यार करता है? नहीं जी, मेरे को नहीं पता था। हाँ, घर में रिश्ते की बात चली थी, वो भी फिर पता नहीं उन्होंने क्या कर रखा था। पापा मतलब कहते थे भाई हाँ शादी अच्छा लड़का ये वगैरह वगैरह, फिर आपने जब मना कर दिया था। उम्र का फर्क था दोनों में? उम्र का फर्क था, उसकी 40 साल उम्र थी, इसकी 19 साल उम्र है। इस कारण मना किया था? इस कारण मना किया था। और वो लड़के बहुत डिफॉल्ट है ना, मतलब चोरी वगैरह, वो जेल में भी रह के आ रहे हैं। सारे गाँव ने उनको मना किया था भाई ये लड़के सही नहीं है, वो सही इंसान नहीं थे। इसलिए तो मेरी मम्मी ने मेरी वो क्या कहते हैं मेरी मासी का रिश्ता हुआ उनसे, तो कहने लगी भाई पहले रिश्ता मतलब पहले बहू हमारे आएगी, तुम्हारी लड़की बाद में जाएगी। तो पापा कहने लगे नहीं जी पहले हमारी जाएगी, ये तुम ले आओ जाके। तो इसलिए वो कहते हैं हम ये शादी नहीं होने देंगे, ये बात हुई है। तो पूरी साजिशन किया गया आपके पिता? हाँ जी, पूरी शादी की हुई है मेरे पापा के साथ। मेरे पापा दो फोन ले रहे थे, एक 32 सेक्टर में पाए, फूसगढ़ रोड के पास फोन मिला है। तो कल से आप ढूंढ रहे थे पिता को? हाँ जी, कल रात से हम ढूंढ रहे थे, 6 बजे से पापा को हम ढूंढ रहे थे, 7 बजे से हम अपने पापा को ढूंढ रहे थे। तो कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर? हाँ जी, कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। आज हमारे साथ तो है, कल और किसी के साथ होगा। मृतक नीरज कुमार की 2 बेटियां और 11 साल का बेटा है। छोटी बेटी की शादी 7 महीने पहले हुई थी, जबकि बड़ी बेटी की बारात कल आनी थी। इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन, इन्होंने एप्लीकेशन मूव की थी उनकी मिसिंग की, उस पर परिवार वालों की एप्लीकेशन पे हमने मिसिंग का केस रजिस्टर कर दिया। तो कल हमें सूचना मिली थी कि उनकी डेड बॉडी वहाँ ये जो नहर है शुगर मिल के नज़दीक वहाँ पर पड़ी हुई है।
तो हमने जाकर विजिट किया तो उसका परिवार वालों ने उस पर हत्या की शंका जाहिर की थी, तो हमने उसके अकॉर्डिंग उस केस में जो रेलिवेंट सेक्शन है वो ऐड कर दी गई हैं और उनका पोस्टमार्टम करवा दिया। तो लगता है सर हत्या हुई है या अभी छानबीन? हाँ जी, वो उनका मर्डर हुआ है और उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। कोई गिरफ्तार भी किया सर? अभी नहीं गिरफ्तार। तो दो लोग बताए जाए, दो लोगों पर आरोप लगा रहे हैं? हाँ जी, उन्होंने दो लोगों पर। लड़की और उसके परिजनों ने जिस युवक पर हत्या का आरोप लगाया है वो मृतक का दोस्त है। आरोप है कि आरोपी युवक ने मोबाइल फोन में लड़की को देख लिया था, जिसके बाद से ही वो लड़की से शादी करने की जिद पर अड़ा था। हालांकि लड़की के पिता ने शादी के लिए हाँ भी कह दी थी, मगर आरोप है कि लड़की के इनकार करने और किसी दूसरी जगह शादी तय करने पर आरोपी इस कदर बौखलाया कि उसने अपने ही दोस्त की हत्या कर डाली। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अब देखना होगा कि छानबीन में क्या कुछ सच्चाई सामने आती है। करनाल से KCRA पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।